अंकिता को जिंदा जलाकर मारने वाले शाहरुख हुसैन एवं नईम अंसारी की रिमांड पूरी हो गई है। आज दोनों को दुमका कोर्ट में पेश किया गया। 72 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया। दोनों आरोपियों को दुमका जेल भेज दिया गया। बता दें कि 23 अगस्त की सुबह अंकित जब सो रही थी, उसी वक्त शाहरुख और नदीम ने खिड़की से अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। 5 दिनों तक अंकिता रिम्स में भर्ती रही। उसके बाद पिछले शनिवार को अंकिता जिंदगी से जंग हार गई थी, जिसके बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। छात्रा ने बयानों में कहा था, जैसे वो मर रही है वैसे ही शाहरुख भी मरे। छात्रा को पहले दुमका के अस्पताल में और उसके बाद रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लड़की 5 दिनों तक हिम्मत दिखाती रही, मगर आखिर में वो जिंदगी की जंग हार गई थी। दम तोड़ने से पहले छात्रा ने अपने बयान में शाहरुख को कसूरवार बताया था। उसने कहा था कि वह चाहती है कि जैसे वह मर रही है वैसे शाहरुख भी मरे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।